हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बता दीजिए कैसे हैं। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आप सब कैसे हैं, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वही जो यहाँ देखिए गेस किया हुआ पूरा बुक से निचोड़ का जो 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, इसी का सीरीज चल रहा है, उसी का ये अगला पार्ट है। तो आपको क्या करना है, जितना भी उसमें क्वेश्चन बताया जाएगा बाबू, एक बाइक हम 40-50 क्वेश्चन बता देंगे ना, तो आपको याद करने में दिक्कत होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डेली 15-15 क्वेश्चन आपको कराएंगे, और 15 के 15 क्वेश्चन आपको डेली डेली याद करते चलना है। तो ये बात आपको प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि डेली डेली आपको क्या करना है, कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव में सुबह बता रहे हैं, सब क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा। तो इतना काम कर लीजिएगा, एक बार बता दीजिए, यस बोल दीजिए, जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम समझा के आपको याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं, बढ़िया है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे लाल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्लास 12th का बाबू क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में आप देखिए वही 300 बुक से बाबू चुन चुन के जो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो बताए जाने जा रहे हैं, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन बताया जाए आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। और यहाँ देखिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिएगा, चलिए इतना कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम क्या करेंगे ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को शुरू करते हैं। और बाबू इसमें एक बात का यह ध्यान रखना है कि कल जो आपका क्रैश कोर्स होगा ना, तो यहाँ आप देखिए ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व का थ्योरी भी है, यहाँ पे याद रखना है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व का थ्योरी भी है और बुक का चुना हुआ क्वेश्चन भी है। यानी अगला जो क्रैश कोर्स होगा उसमें यहाँ देखिए आपको इसका ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि थ्योरी हम इसी में आपको क्लियर करा रहे हैं, थ्योरी इसी में क्लियर होगा, उसी का ये है क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, 300 क्वेश्चन का सीरीज भी हो जाएगा और आपका थ्योरी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन है पहला कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं कि चुंबक का जो क्षेत्र होगा, मान लीजिए चुंबक है तो चुंबक का एक क्षेत्र होता है, मान लीजिए कोई चुंबक है तो ये चुंबक का क्षेत्र होता है कि इसके अंदर अगर कोई यहाँ देखिए लौह चुंबक यहाँ आएगा तो ये अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। ये मान लीजिए कोई चुंबक है यहाँ पे तो इसका एक क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बाबू, चुंबकीय मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है तो इसका एक क्षेत्र होगा, इससे नजदीक आएगा कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ तो क्या करेगा अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण स्थापित होता है, जिसका कारण होता है चुंबकीय सुई घूमकर उक यहाँ पे क्या होती है एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे चुंबकीय या चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं, आपकी बार पूरा आपको 100% समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण स्थापित होता है, क्या होता है चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण स्थापित होता है जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में क्या होती है ठहर जाती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको समझा दिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण क्या करती है स्थापित करती है, क्या करती है बल आघूर्ण स्थापित करती है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में क्या होती है प्यारे बच्चों ठहर जाती है। एक नीचा यहाँ देखिए दिशा निश्चित है, उसी में जाके क्या करेगी ठहर जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, 100% इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए तो बाबू यहाँ देखिए चैप्टर 4 का ये सारा थ्योरी है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो सभी आपको यहाँ पे क्या करना है याद करते चलना है। चलिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको समझना है कि लॉरेंज बल आखिर क्या है। तो चलिए हम समझते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है
तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, इसी बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। बाबू किताब में दिखिएगा ना, तो लॉरेंज बल आपको दिखते ही देखते आपको पागल हो जाएगा। तो किताब का डिफिनेशन है, डेली आपको जो 15 सब्जेक्टिव करा रहा है डेली आप लोग नोटबुक पे लिखिए और उसको याद करते चलिए, डेली नोटबुक पे लिखिए याद करते चलिए, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने की लॉरेंज बल क्या होता है। प्यारे बच्चों लॉरेंज बल क्या होता है, तो जब कोई आवेशित कण चुंबक क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबक में आप क्या जब कोई आवेशित कण चुंबक क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और इसी बल को जो आवेशित कण पे जो बल कार्य करेगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो लॉरेंज बल कहेंगे। इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। यहाँ देखिए लॉरेंज बल को चुंबकीय बल के भी नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं चुंबकीय बल भी कहते हैं। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की यहाँ देखिए जो दिशा होती है उसके लंबवत होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, समझिएगा कि लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की चलने की जो दिशा होती है ना वो क्या होती है प्यारो, एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहाँ पे आप लोग लॉरेंज बल यहाँ पे देख लीजिए कि लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि लॉरेंज बल आखिर क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि बायो सर्वट नियम क्या है। बायो सर्वट नियम क्या है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा सारा क्वेश्चन इसमें का इंपॉर्टेंट है कि बायो यहाँ देखिए सर्वट विधि क्या है। तो बाबू यहाँ देखिए इनका नियम क्या है हम समझाते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, मान लीजिए कोई चालक तार है तो बाबू उसमें विद्युत धारा का प्रवाह दिया जाएगा तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग बायो यहाँ देखिए बायो तथा यहाँ देखिए सर्वट के फ्रांस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ देखिए धारावाही चालक पर अनेक प्रयोग द्वारा यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और यहाँ देखिए यह एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे हम लोग बायो सर्वट का नियम कहते हैं। देखिए इसमें इतना आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चालक के चारों ओर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र अपना उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो बायो सर्वट का नियम बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा बायो सर्वट के नियम किसने दिया, तो बायो तथा यहाँ देखिए सर्वट फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बायो सर्वट का नियम दिया, तो आपको ऐसे याद रखना है। देखिए कैसे आपको याद रखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बायो सर्वट का नियम कहते हैं। और इसको किसने दिया था, तो बायो सर्वट के नियम को बायो तथा यहाँ देखिए सर्वट फ्रांसीसी दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही क्या किया था बाबू अपने धारावाही चालक के अपने अनेक प्रयोगों में सत्यापित किया था और दिया था, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि साइक्लोट्रोन क्या है। सब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गजब गजब का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। देखिए साइक्लोट्रोन की आखिर क्या होता है, साइक्लोट्रोन क्या होता है वो इसका बनावट क्रियाविधि, ये सब क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रोन क्या है और यहाँ पे देखिए इसके बनावट और क्रियाविधि का वर्णन करें, देखिएगा तो 4-5 बार दिखेगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि साइक्लोट्रोन क्या होता है बाबू। साइक्लोट्रोन क्या होता है, तो एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या यहाँ देखिए आयनों की अति उच्च यहाँ देखिए ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाए, उस उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो साइक्लोट्रोन कहेंगे। देखिए समझिएगा फिर से, देखिए साइक्लोट्रोन किसे कहा जाता है, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग यहाँ देखिए आवेशित कणों या आयनों के यहाँ देखिए अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में प्रयोग में लाया जाए, उसी उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये नियम याद रख लेना है, ये डिफिनेशन याद रखना है कि ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों के अति उच्च ऊर्जाओं तक यहाँ देखिए त्वरित करने में किया जाए, अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में अगर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइक्लोट्रोन कहेंगे। अब यहाँ पे आता है साइक्लोट्रोन की सीमाएं लिखें। प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन याद होना चाहिए, साइक्लोट्रोन की कौन कौन सी सीमाएं हैं ये आपको याद कर लेना है कि साइक्लोट्रोन की कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो चलिए यहाँ पे जानेंगे कि साइक्लोट्रोन की सीमाएं क्या क्या है। चलिए साइक्लोट्रोन क्या है यहाँ पे समझ लीजिए बाबू, साइक्लोट्रोन क्या है समझिए कि साइक्लोट्रोन की सीमाएं क्या है। तो साइक्लोट्रोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, साइक्लोट्रोन द्वारा
इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और वेग अत्यधिक यहाँ पे शीघ्र हो जाता है। इसलिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा यहाँ पे क्या साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। जैसे क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा किसे त्वरित नहीं किया जा सकता है, तो आप क्या बता दीजिएगा कि साइक्लोट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक किसको, तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये पहला बाबू इसका क्या है, सीमाएं हैं। पहला सीमा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सर यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और यहाँ देखिए वेग अत्यधिक शीघ्र होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा सीमा क्या है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इसकी दूसरी सीमाएं क्या है। वो दूसरी सीमाएं क्या है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशित कण जैसे न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। चलिए बाबू यहाँ आप देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशहीन कण जैसे आवेशहीन कण जैसे न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा सीमा क्या है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा किसी आवेशित कण को उतने अत्यधिक वेग से भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे समझना है आपको, पहले इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, आवेश न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी आवेशित कण को इतने अधिक वेग से भी क्या कर सकते हैं, त्वरित नहीं कर सकते हैं। तो ये तीसरा सीमा है। अब यहाँ देखिए इस कारण यहाँ देखिए इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा, अगर त्वरित करेंगे तो क्या होगा, इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। तो ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जितने सारे स्टूडेंट है ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि चल यहाँ देखिए चल कुंडली धारा मापी क्या होता है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों की चल कुंडली धारा मापी आखिर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा ना 300 सीरीज का प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा, और डेली 15 के 15 क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने की चल कुंडली धारा मापी क्या है प्यारे बच्चों, चल कुंडली धारा मापी क्या है, तो वह उपकरण जिससे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का संचालन यहाँ क्या हो, यहाँ देखिए संसूचन किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस उपकरण को हम लोग चल कुंडली धारा मापी बाबू कहेंगे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग समझिएगा सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कि वह उपकरण बाबू कौन सा उपकरण, वह उपकरण जिससे किसी भी परिपथ के विद्युत धारा को क्या संसूचन नहीं किया जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी उपकरण को हम लोग चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। अब यहाँ पे ये आप लोग याद कर लीजिए। अब लिखिएगा कि चल कुंडली धारा मापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारा मापी की कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण पर आधारित होती है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आए कि चल कुंडली धारा मापी क्या है, तो वह उपकरण जिससे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को संचुचित नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार के उपकरण को हम लोग चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। और यहाँ पे लिखिएगा कि चल कुंडली धारा मापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारा मापी कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण पर आधारित होता है। तो ये भी साथ में आपको लिख देना है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखते चलिएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला आज ये कि एमीटर किसे कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों एमीटर किसे कहते हैं, वोल्टमीटर किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत बनता है, सब्जेक्टिव भी बहुत बनता है। एमीटर क्या है, एमीटर प्यारे बच्चों क्या है, चलिए समझाते हैं कि एमीटर आखिर क्या होता है। प्यारे बच्चों एमीटर क्या होता है कि वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जा सके, वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जा सके, अर्थात जिस यंत्र से धारा मापी मापी जाती है, उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन डिफिनेशन है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जा सके, एमीटर से क्या, वह यंत्र जिससे विद्युत धारा का मापन किया जा सके, अर्थात जिस यंत्र से धारा मापी जाती है उस यंत्र को हम लोग एमीटर कहेंगे। यानी जिससे धारा को मापा जाएगा, जिससे करंट को मापा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि एमीटर कहते हैं। एमीटर के द्वारा यहाँ देखिए विद्युत एम्पियर में यहाँ पे मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा किस में, एम्पियर में मापा जाता है। देखिएगा ध्यान रखिएगा ये बात का कि एमीटर में यहाँ पे आपको याद रखना है कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को किस में, तो एम्पियर में मापा जाता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि एमीटर क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखिए एमीटर था। चलिए यहाँ पे एमीटर तो समझ लिए, इसका दूसरा टॉपिक समझिए कि एमीटर में क्या क्या होता है।
ये आप देखिए, अब यहाँ पे आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे दो दो बार लिखा गया क्या, आमीटर वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। यहाँ आप देखिए, और इसमें एम्पियर की कोटि, यहाँ पे विद्युत धारा के मापने के यंत्र को हम लोग आमीटर कहते हैं। चलिए, तो दो दो बार लिखा गया, लेकिन आपको याद रखना है जिसमें विद्युत धारा का मापन हो उसे क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि धारा मापी का आमीटर में रूपांतरित कैसे करना है, धारा मापी को आप लोग आमीटर में कैसे बदल सकते हैं। प्यारे बच्चों, धारा मापी को आमीटर में कैसे बदल सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए कुंडली में समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को लगा दिया जाता है। धारा मापी को किस में, आमीटर में। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत कम, और आदर्श आमीटर का शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, धारा मापी का आमीटर में रूपांतरित कैसे होगा, तो धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा देने पर इस तार को संट कहते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है इसे क्या प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पे देखिए इस संट दो यानी एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहने का मतलब, धारा मापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित अगर आप लोग कर सकते हैं, तो धारा मापी को एमीटर में प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा मापी को एमीटर में, यहाँ देखिए आमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं संट, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संट। और इसे एस के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आमीटर समझ लीजिए। अगला यहाँ आप देखिए, ये जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ले लिए। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए। अगला यहाँ पे आया क्या है कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो देखिए, आमीटर यहाँ पे आप लोग समझ गए कि जिसमें यहाँ आप देखिए करंट को मापे उसे आमीटर कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्ट मीटर किसे कहेंगे, जिससे वोल्ट को मापे, विभवांतर को मापे, कितना यहाँ पे वोल्ट उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे समझिए, अब यहाँ आप देखिए वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो जिस यंत्र के द्वारा विद्युत प्रपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाए। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जिस यंत्र के द्वारा विद्युत प्रपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत प्रपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। अब यहाँ आप देखिए, वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि वोल्ट मीटर द्वारा विद्युत का विभवांतर यानी दो तारों के बीच का विभवांतर किस में मापा जाएगा बाबू, वोल्ट में मापा जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे आज ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होगा बाबू, हम लोग ए मीटर में जोड़े, तो ए मीटर में क्या किए, समानांतर में निम्न प्रतिरोध लगा के धारा मापी को हम लोग आ मीटर में कन्वर्ट किए थे। अब यहाँ आप देखिए, धारा मापी को हमको किस में, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलिएगा अनंत होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कैसे करेंगे, तो धारा मापी यानी वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगा के हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदल देंगे बाबू, आ मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न सॉरी आप देखिए समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध किसके लिए, आमीटर के लिए, और वोल्ट मीटर में बदलना है धारा मापी को। आप लोग बताइएगा कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, हम लोग यहाँ पे धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जिसे यहाँ देखिए आर से सूचित किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर की कुंडली को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होगा उसकी कुंडली को किस में जोड़ा जाता है, याद कर लेना है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का धारा मापी ही होता है, वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का क्या होते हैं प्यारे बच्चों, धारा मापी ही होता है। लेकिन बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बदलने के लिए हमको श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। लेकिन ये जुड़ता किस में है बाबू, वोल्ट मीटर यहाँ पे किस में जुड़ता है, तो समानांतर क्रम में ही जुड़ता है। लेकिन अगर आपको बदलना है किस में, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में, तो श्रेणी यहाँ पे क्या, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि विद्युत धारा क्या होती है बाबू, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि विद्युत धारा क्या होती है, तो जब किसी चालक में आवेश की प्रवाह के दर को चालक में प्रवाहित को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ देखिए, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को उस चालक का विद्युत धारा कहते हैं।
किसी चालक में आवेश की प्रवाह के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में क्यू आवेश और समय टी हो तो प्रवाहित किया जाने वाला यहाँ पे विद्युत धारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा टी होता है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अब समझिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड होता है, इसे एम्पियर भी कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए, वैद्युत धारा का मात्रक दे दें तो कूलम्ब प्रति सेकंड भी होगा और एम्पियर भी होगा। या एक क्या होता है प्यारे बच्चों, या एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब आवेश होता है, तो ये आपको याद कर लेना। अगला यहाँ पे धारा घनत्व। अब धारा घनत्व किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए कितना धारा जा रहा है उसको हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। यानी आप देखिए किसी एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। किसी एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा क्या होती है, धारा की दिशा के बाबू क्या होती है, प्राय यहाँ देखिए धारा की दिशा में ही होती है। इसको यहाँ देखिए जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी आप देखिए किसी एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है। इसको प्राय जे से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जे हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मात्र क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। इसका विमीय सूत्र भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और ये जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है ना प्यारे बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज वैद्युत चालकता क्या होता है प्यारे लाल, वैद्युत चालकता आखिर क्या होता है। यहाँ देखिए वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, अथवा यहाँ देखिए इसका एसआई पद्धति में क्या होता है, मोहो होता है इसका मात्रक। तथा यहाँ देखिए इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा, एम इनवर्स होता है, एल के पावर माइनस टू होता है, टी के पावर थ्री और ए के पावर क्या होता है, टू होता है। अब यहाँ देखिए प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन क्या होता है, ये बाबू हम आपको दे रहे हैं आपको याद करने के लिए सारा क्वेश्चन। तो कृपया करके सब क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का श्रेणीक्रम समायोजन क्या होता है, तो यहाँ देखिए श्रेणीक्रम समायोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरों को यहाँ पे क्या, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों से जोड़ा जाता है। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरों को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरों से जोड़ा जाता है। और इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन कहते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिएगा। और ये हम आपको 15 क्वेश्चन बता दिए, तो ये 15 क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। अब मिलेंगे कब, तो बाबू अब मिलेंगे 2:15 वाली क्लास में, और आप लोग जरूर आइएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम मिलते हैं 2:15 में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।